अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है महर हसन अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हसन टीवी। दोस्तों, एयर चीफ़ यानी जो है मुजाहिद अनवर ख़ान, वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनके लिए एक पुरवकार तकरीब की गई। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने नए एयर चीफ़ का ऐलान कर दिया, जिसका नाम ज़हीर अहमद बाबर है, जो कि पाक फ़िज़ाया के नए एयर चीफ़ होंगे। एयर चीफ़ ज़हीर अहमद बाबर ख़ान पहले एयर मार्शल रह चुके हैं, जो कि अब चीफ के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। पाक फ़िज़ाया के तर्जमान के मुताबिक नए सरबरा 19 मार्च को ओहदा संभालेंगे। ज़हीर अहमद बाबर ने 1986 में बतौर फाइटर पायलट पाक फ़िज़ाया में शमूलियत अख्तियार की थी और वो फाइटर स्क्वाडन के ऑपरेशनल एयर बेसिस और रीजनल एयर कमांड कर चुके हैं। आप समझें कि वो जो ऑपरेशनल तैयारियों के भी मुकम्मल रखते हैं और रीजनल के भी मुकम्मल वो मालूमात रखते हैं। ज़हीर अहमद बाबर डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन के फ़रैज भी सर अंजाम दे रहे हैं। ये समझे कि वो मुकम्मल मालूमात हर चीज़ रखते हैं पाक फ़िज़ाया के बारे में, हर ओहदे हर रैंक पर वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। तो दोस्तों, साथ ये बताता चलूँ कि इस पर पाकिस्तान जो जब भी देते तो उससे पहले इंडियन एयरफोर्स ने उन्हें सलामी देते हुए अपना एक मिग तैयारा तबाह कर दिया उनकी सलामी में। पता नहीं है पाकिस्तानी एयरफोर्स का खौफ है या उनकी नाअहली है कि रोज़ उनका कोई ना कोई तैयारा गिर रहा है। वो तैयारे नहीं समझते, पता नहीं वो क्या चीज़ समझ रहा है, जो डेली उनको गिराए जा रहे पता नहीं उनको फ्री में मिलते हैं। जो भी हो रहा, खैर आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।